बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डेली होम स्किल्स में सबको वेलकम करती हूँ। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मौसम बहुत खूबसूरत है, तो ऐसे खूबसूरत मौसम में बाहर निकल के किसी जगह की सैर ना की जाए तो बड़ी ही बदजौकी है। तो मेरा आज का टॉपिक एक हिस्टोरिकल प्लेस है, उसको हम आपको व्यू करवाएंगे। ये अयूबिया की हिस्टोरिकल मोटर टनल है। 540 फीट लेंथ है इसकी, 540 फुट लंबी है ये। ये 1891 में बनाई गई थी और ये पाइपलाइन ट्रैक का हिस्सा है, यानी ये एक पाइपलाइन टनल है। इसमें से पानी की पाइपलाइन गुजरती है जो डोंगा गली से अयूबिया तक आती है और फिर नीचे खानसपुर तक भी जाती है। सियार लोग जो आते हैं, या वैसे ही जो लोग हम जैसे सैर सपाटों के लिए जाते हैं, तो वो इस हिस्टोरिकल टनल को देखना बहुत पसंद करते हैं। इसके अंदर खूब लाइटिंग का इंतज़ाम किया गया है और दूर से देखने पर ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। अंदर से ये मेहराब दर मेहराब बनी हुई है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। और इसके अंदर से गुज़रते हुए एक बड़ा ही अच्छा सा एहसास मिल रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से पानी की पाइपलाइन जो है वो गुज़र रही है। पानी भी ज़मीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये यहाँ से इसी पाइपलाइन से ही पानी सब जगहों को मिल रहा है, अयूबिया को भी, डोंगा गली को भी और खानसपुर को भी। अब हम टनल से बाहर आ गए हैं, बाहर की साइड से भी आपको इसका व्यू करवाते हैं। ये देखिए, और बाहर मौसम भी बड़ा ही खूबसूरत है, और ये बाहर से आप अंदर की तरफ देखें तो कितना खूबसूरत नज़ारा जो है वो आपको नज़र आ रहा है। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो है हिस्टोरिकल प्लेस पसंद आई होगी। आप भी जब कभी सैर करने जाएंगे तो अयूबिया में जाके इसका व्यू ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।